तो पिछले सीजन में हमने देखा था कि ब्लू डोमेन में कुछ डीमंस आ गए थे ताकि वे पेरलेस बीट को हासिल कर सके, और इसी के बीच भी जैक और माइक को भी मारने वाले थे। लेकिन इन दोनों की जान बचाने के लिए जैक की मॉम और डैड ने खुद को सैक्रिफाई कर लिया था। अब जैक की मॉम डैड के डेथ के बाद जैक पूरी तरह से टूट जाता है, लेकिन तभी माइक उसे टेलीपोर्ट करके अपने डोमेन में ले आता है। लेकिन इस बात से जैक बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वे अपनी मॉम डैड के डेथ का बदला लेना चाहता था। अब इस पर माइक जैक को समझाते हुए कहता है कि हम अभी उतने स्ट्रांग नहीं है और तुम्हें अपनी मॉम डैड बदला लेने के लिए जिंदा रहना होगा और स्ट्रॉन्ग बनना होगा। अब इसके बाद ये दोनों कल्टीवेशन करने लगते हैं, जहाँ ये दोनों कल्टीवेशन करते करते एक अलग ही डोमेन में आ जाते हैं, जहाँ पर इन्हें दो लोगों की विजन दिखाई देते हैं और जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये दोनों अपनी पावर को कम्बाइन करके कुछ बना रहे होते हैं। अब यहाँ पर सबको बताया जाता है कि इन लोगों को ब्रुक ऑफ प्रोफेसिस से मालूम हुआ था कि जल्द ही इंसानियत खत्म हो जाएगी, इसीलिए ये दोनों अपनी पावर को कम्बाइन कर पेरलिस्ट बीट को बना रहे होते हैं। और इस बीट को बनाते हुए ये लोग कहते हैं कि आने वाले वक्त में हम दोनों के डोमेन से दो बंदे को चुना जाएगा और जो कि इस पेरलेस बीट का इस्तेमाल कर इंसानियत को बचाएंगे, और साथ ही इस पेरलेस बीट का इस्तेमाल कर वे तीन दिन का कल्टीवेशन एक दिन में कर पाएंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जैक और माइक वापस से अपने रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। अब रियल वर्ल्ड में आते ही जैक माइक से कहता है कि मुझे लगा था कि हम गलती से इस पेरलेस बीट से जुट चुके हैं, लेकिन ये तो हमारी किस्मत है। और तभी ये दोनों देखते हैं कि इन दोनों का ब्रेक थ्रू हुआ है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जैक और माइक फिर से ब्लू डोमेन में आए थे, लेकिन ब्लू डोमेन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। और इस जगह की ऐसी हालत देखकर जैक को फिर से पिछली बात याद आने लगती है कि कैसे उस डीमन ने इसके मॉम और डैड को मार दिया था। अब उस बात को याद करके जैक बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है, लेकिन माइक उसे शांत कराकर यहाँ पर बचे हुए लोगों की तलाश करने लगता है। जहाँ बचे हुए लोगों की तलाश करते करते वे लोग ग्रेट एल्डर के घर जाते हैं, और जहाँ पर जैक ग्रेट एल्डर को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि वे जिंदा बच गए थे। अब ग्रेट एल्डर भी जैक को जिंदा देखकर थोड़े से खुश होते हैं। अब जैक ग्रेट एल्डर को बताता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं अपने मॉम डैड को नहीं बचा पाया। अब इस पर ग्रेट एल्डर कहता है कि मुझे पता है, और वैसे भी तुम उतने स्ट्रॉन्ग अभी नहीं हो कि तुम उन डीमंस को हरा सको। यहाँ तक मैं भी उतना ताकतवर नहीं हूँ कि उन डीमंस को हरा सकूं, क्योंकि उस वक्त यहाँ पर भी एक डीमन आया था और जिसके साथ मैंने फाइट भी की थी, लेकिन उसने मुझे बहुत ही आसानी से हरा दिया था, और उसने मुझे ये कहकर छोड़ दिया कि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, और उसने मुझे जान से नहीं मारा और इसीलिए मैं आज जिंदा हूँ। और एक बार तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद मैंने यहाँ के लोगों को संभाल लिया है, मैंने उन सभी को ये कह दिया है कि किंग और क्यून अभी तक जिंदा है और फाइट के बाद अपनी रिकवरी करने के लिए गए हैं, लेकिन मैं उन्हें ज्यादा दिन तक नहीं रोक सकता हूँ, और इसीलिए तुम्हें जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग बनना होगा और इस डोमेन का नया किंग बनना होगा, और इसके लिए तुम्हारे पास सिर्फ 3 साल हैं, क्योंकि 3 साल से ज्यादा मैं उन्हें इस झूठ में नहीं रख सकता, और 3 साल के बाद तुम्हें यहाँ का एक नया किंग बनना होगा, और मुझे उम्मीद है कि तुम इन 3 सालों में इतने स्ट्रॉन्ग हो जाओगे कि अपने लोगों की सुरक्षा कर पाओगे और यहाँ का एक अच्छा किंग बन पाओगे। अब इन सारी बातों को सुनकर माइक सोचने लगता है कि इसमें सिर्फ उसकी गलती है, क्योंकि अगर उसे पेयरलेस बीट ना मिला होता तो उसकी पूरी फैमिली अभी जिंदा होती। अब इस बात को सुनकर ग्रेट एल्डर कहते हैं कि तुम ये क्या कह रहे हो, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, और क्या तुम्हें मालूम है कि उन डीमंस ने हमें क्यों नहीं मारा, क्योंकि वे डीमंस हमें अपने काबिल नहीं समझते हैं, वे हमें एक चींटी की तरह देखते हैं जिसे कि वे कभी भी तबाह कर सकते हैं, वे हमें अपना अपोनेंट समझते ही नहीं है। तो इस बात को सुनकर माइक खड़ा होता है और कहता है कि तो जब वे डीमंस इतने पावरफुल हैं तो वे पेरलेस बीट के पीछे क्यों पड़े हैं। अब इस पर वे ग्रेट एल्डर कहते हैं कि लगता है कि तुम्हें पेरलेस बीट के बारे में नहीं मालूम है, जिसके बाद वे माइक और जैक को एक अलग ही डोमेन में ले आते हैं, और अब वे जैक और माइक को कहते हैं कि क्या तुम्हें मालूम भी है कि 7 गोल्डन बीस्ट कैसे बनी। इस पर जैक कहता है कि मुझे वे तो नहीं पता, लेकिन पेयरलेस बीट कैसे बना ये जरूर पता है, हमें एक विजन आया था जहाँ पर 2 एल्डर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर पेयरलेस बीट को बनाया था। ग्रेट एल्डर ये सुनकर कहते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि 7 गोल्डन बीट्स कैसे बनी। 7 गोल्डन बीट्स को बनाने के लिए हमारे एंसेस्टर ने बहुत ही बड़ी कीमत चुकाई, क्योंकि जब उन्हें ब्रुक ऑफ प्रोफेसी से मालूम चल गया था कि इंसानियत पर एक बहुत ही बड़ा खतरा आने वाला है, इसीलिए वे उस डिजास्टर को रोकने के लिए तैयारियां शुरू कर दी थी, लेकिन इस डिजास्टर को रोकने के लिए उन लोगों का साथ किसी ने भी नहीं दिया, जिसकी वजह से उन लोगों ने खुद को सैक्रिफाइस कर उस डिजास्टर को रोक लिया था। लेकिन अब उससे भी बड़ा एक डिजास्टर आने वाला है, और जिस डिजास्टर को तुम दोनों को ही रोकना है, वरना ये पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। अब इसके बाद वे उन दोनों को उस डोमेन से बाहर ले आते हैं।